हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी धमाका 98। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 संस्कृत के लेसन नंबर 9 सिक्ता सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे और जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करते हुए समझते चलेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहते हैं तो आपको यकीन दिला सकते हैं आपको इस चैप्टर की अपनी पूरी लाइफ में रिवीजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रस्तावना देखते हैं क्योंकि प्रस्तावना काफी इंपॉर्टेंट होती है। प्रस्तुत नाट्यांश सोम देव रचित कथा साहित्य सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोवल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नाम का एक बालक की कथा का वर्णन किया गया है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण का कार्य करने में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किसलिए गंगा से जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय यानी वचन को जानकर और उनके उद्देश्य को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हिंदी में अर्थ अन्वय के साथ। तत प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त, यानी कि तत प्रविशति यानी फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करते हैं या फिर करता है, क्योंकि एक नाटक के टाइप का चल रहा है तो एक तपस्या में लीन बालक प्रवेश करता है जिसका नाम क्या होता है, तपोदत्त होता है। फिर तपोदत्त बोलते हैं, अहम अस्मि, क्या बोलते हैं तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूं। बाल्य पृतृचरणे कलेश्य मानह अपि विद्या न अधित वान अस्मि। बचपन में यानी बाल्य बचपन पृतृचरणे बचपन में पिता द्वारा संपन्न, देखो सतप्त का क्या मतलब होता है, संपन्न यानी कि धनवान की कोई कमी नहीं, संपन्न होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंब भी मित्रे ज्ञाति जने च ग्रहित अवम, इसलिए सभी परिवार जनों मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित होता हूं। उर्ध निश्च वयस्य, लंबी सांसे लेकर बोलता है वो, हा विधे किम इदं मया कृतम्, हाँ विदे मतलब हाय भाग्य, किम किमी इदं मया, ये क्या किया गया यानी कि मेरे द्वारा यह क्या किया गया, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बचपन में क्यों नहीं पढ़ा, मेरे द्वारा ये क्या किया गया। कृदर्शी दुर्बुद्धि आसित तदा, अवन में देखें इसका, तदा कृदर्शी दुर्बुद्धि आसित, तब कैसी दुर्बुद्धि थी यानी कि दिमाग की बात कर रहा है, कैसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैं बचपन में नहीं पढ़ा। एतत् अपि न चिन्तयत्, यह भी न सोचा कि, क्या नहीं सोचा, परिधाने अलड़कारे भूषित अपि न शोभते नरो निर्मलो भोगी इव सभाया यदि न ग्रहे, इसका मतलब जानते हैं, ये श्लोक था। इसका अवन्वय क्या होगा हमारे यहाँ पर, अवन्वय देखेंगे, सरल देखेंगे और भावार्थ भी देखेंगे इसका, ठीक है। अवन्वय क्या होगा इसका, यदि नर परिधाने अलंकारे भूषित अपि निर्माणी भोगी एव सभाया ग्रह वाना सोबते, यानी सरलाल देखें इसी चीज का, हिंदी में भी अर्थ देखेंगे अभी हम इसका। मनुष्य वस्त्रों से आभूषणों से भूषित होने पर भी मरीरहित भोगी के समान में सभा में या घर में शोभित नहीं होता। देखिए भावार्थ, वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित
किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रही सांप। सांप के पास मणि होती है, अगर मणि सांप के पास नहीं है तो सुशोभित नहीं होगा। उसी तरह से हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, लेकिन अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम सुशोभित नहीं हो पाएंगे। किरीचड ब्रह्मश्य सोच कुछ सोच विचार कर, क्या बोलता है, किम इतेन भवतु, किम इतेन भवतु मतलब ठीक है, इससे क्या, यानी अब सोचता अब इससे सोच के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या यावद यदि ग्रहम उपेति तथापि वरम, मतलब क्या हो गया, दिन में पद भ्रष्ट शाम तक यदि घर आता है तो वह भी श्रेष्ठ है। हम कहते हैं ना सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है तो उसको भटका नहीं कहा जाता, इसी तरह वो बोलना चाह रहे हैं। ना असो भ्रांतो मनियते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। इस इदानी तत सच्चर्याया विद्याम अवाप्तु प्रियत्व असीम असीमित, यह अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूं, यानी कि कोई बात नहीं अगर मैं नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं विद्या कैसे प्राप्त करूंगा, तपस्या के बलबूते पे तपस्या करूंगा और देवी देवताओं से जितने भी विद्या है वो सभी सीख लूंगा। अचानक जल उच्छलन ध्वनि श्रुयोते, जल उच्छलन जल उछलने की ध्वनि आती है, जल उछलने जल की उछलने की ध्वनि सुनाई देती है अचानक, तभी उसे जल की आवाज सुनकर तपोदत सोचते हैं, अय कुंत अय कल्लोल उच्च लन ध्वनि, अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहां से, महामत्स्यो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ तो नहीं, तो देखता हूं मैं उसे, इस तरह से वो बोलता है। पुरुषम एक सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयास दृष्टवा सहा समह, लेकिन जब तपोदत वहां पहुंचा तो वो क्या देखता है, एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसने लगता है। हंत न अस्ति अभाव जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाह या नदया मूर्छकोट, मूर्छ प्लस अय से मिलके बना है ये, सिक्तावी सेतु निर्माण प्रयतते, अपने में क्या होगा, जगति मूर्खाणाम अभाव नास्ति, यानी जगत में मूर्खों की कमी नहीं है, अय मूढ़ तीव्र प्रवाह नदियों सिक्तावी सेतु निर्माण प्रयतते, यानी सरल अर्थ देखें, हाय संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालू का यानी कि बालू से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। साठहास पश्व वम अपेत्य, जोर जोर से हंसकर पास जाकर क्या कहता है, भो महाशय किम इद विधियते अल्लम उल तब श्रीमेण, हे महाशय मतलब हे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या होगा, देखो क्या देखो, पश्य रामो राम वबंध या सेतु शीला भिर्म करालय, शीला भी मकरालय, ठीक है, विध्यत बालुकाभीत यासी त्व मा त्व अति राम ताम, अन्वय क्या होगा, राम मकरालय या सेतु शीला भी ववंध त्वमता बालुका भी विद विद धत अति राम ताम यसी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया तुम उसको बालू से बनाकर राम का अतिक्रमण कब्जा करना चाहते हो, चिंतय तावत सिक्तावी
कवचित सेतु कुर्त युजियते। तो सोचो चिंतव तावत, मतलब तो सोचो बालुका से कहीं सेतु बन सकता है क्या। ठीक है, पुरुष यानी जो व्यक्ति पुल बना रहा था, जो इंद्र का वेश लेके आए थे, बोसत यस्विम कथ माम उपरु शाणित। पुरुष हे तपस्वी, मुझे क्यों रोकते हो, प्रयत्नेन कीना सिद्ध भवती, यानी प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, का आवश्यकता शिला नाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है, मैं अपने प्रयत्न से ही पुल का निर्माण कर दूंगा, इस तरह से वो बोलता है। शिक्तावी एव सेतु करिष्यामि स्वस कल्पन दृढ़तया, बालुका से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल बनाऊंगा, यानी बालुका की मदद से ही और मेरे अंदर जो संकल्प है उससे ही मैं पुल बनाऊंगा, इस तरह बोलता है। तपोदत्त बोला आश्चर्य है, शिक्तावी एव सेतु करिष्यसि, सिक्ता जल प्रवाहे स्थासियन्ति किम, भगवा चिंतत न भा, बालुका से भी करोगे, बालिका से ही, यहाँ पे भी का मतलब ही होता है, ठीक है, बालुका से ही करोगे बनाओगे, बालुका क्या जल के प्रवाह में ठहरेगी, आपने सोचा या नहीं, इस तरह से वो बोलता है। क्या बालुका जल के प्रवाह में ठहर सकती है, आपने सोचा कि नहीं सोचा, इस तरह बोल रहा है वो। पुरुष सौ प्रोत्साहन यानी उत्साहपूर्वक, चिंतत सोचा सम्यक चिंतनम, भली भांति सोचा, भली प्रकार से सोचा, इस तरह से वो बोल रहा है। इसके बाद न अह सोपान मार्गो अट्टम अधुरोणु विश्वसीमी, मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, यानी कि मैं धीरे धीरे नहीं चलता हूँ, सीढ़ी से मार्ग से अट्टिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। सम तपतुल्य एव गंतु क्षमा अस्मि, उछल कर ही जाने के लिए समर्थ हूँ, मैं उछल के ही जाने में समर्थ हूँ, इस तरह से वो बोलता है। ठीक है, तपोदत्त सर्वज्ञम व्यंग्य पूर्वक यानी कि ताना कसते हुए तपोदत्त बोलता है, साधु साधु उचित है उचित है, अजनेम्य अपि अतिक्रमणासि, यानी हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो कि तुम सीधे सीढ़ी से नहीं जाओगे, उछल उछल के जाओगे, हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो तुम राम के साथ। पुरुष सर्वी मर्शम, पुरुष सोच विचार के साथ, का अस्त्र संदेह किमच, क्या यह संदेह है और क्या बिना लिपि अक्षर मात्र तपो भी एक केवलम, यदि विद्यावशे सयुते सेतु एष तथा मम, यानी अन्वय क्या हो गया इसका, यदि लिपि अक्षर ज्ञान बिना केवलम तपो भी एव विद्या ते वशे सयु तथा मम एश सेतु, यानी सरलार्थ यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो तो मैं यह पुल कैसे नहीं बना पाऊंगा, ये भी मैं बना लूंगा। ये ताना मारते हुए कहते हैं जब तुम्हें विद्या का ज्ञान नहीं, अक्षरों का ज्ञान नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं, और तुम तपस्या से क्या करना चाह रहे हो, विद्या लेना चाह रहे हो, तब जब ये तुम काम कर सकते हो तो मैं बालू से पुल कैसे नहीं बना सकता। तपोदत्त सर्वे लक्ष्यम आत्मगतम, यानी लज्जा पूर्वक अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में, अय माम एव उद्दिशम भ्रद पुरुष अयम अधिक्षिप्ति, यानी अन्वय क्या हुआ, अय यत भ्रद पुरुष माम एव अधिदृश्य अच्छी चिपति, यानी कि हिंदी में अरे मुझे है लक्ष्य करने यह वृद्ध पुरुष ताना मार रहा है, यानी कि मेरे लक्ष्य पर यह ताना मार रहा है, इसने तो मुझ पर ही ताना मार दिया। नून सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यह सत्य देखता है, निश्चय ही यहां सत्य देखता है, अक्षर ज्ञान बिना एव विदुष्याम अवाप तुम अभिलक्षामी, अक्षर ज्ञान के बिना
हे विधवत्ता प्राप्त की इच्छा करता हूं मैं, यानी ये व्यक्ति सही कह रहा है। तदीय तत् प्लस य भगवत्या शारदाया अवमानना, तो यह भगवती शारदा का अपमान है, यानी कि अगर मैं केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त करूंगा तो यह भगवती शारदा यानी कि जो ज्ञान की देवी होती हैं उनका अपमान है। गुरु ग्रह तत्वेत यानी गत्वा एव विद्या अभ्यास मया करणीय, गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा विद्या अभ्यास करना चाहिए, यानी उसको अपनी गलती का एहसास होता है, मैं तपस्या छोड़ के गुरुजनों के पास जाके ही विद्या का अर्जन करूंगा। पुरुषाणे एव लक्ष्य प्राप्त, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम प्रकट में वो नर उत्तरण न, अब इसका मतलब क्या होगा, जाने यत यानी इसी के अंदर चल रहा है नीचे, मतलब देखेंगे जाने यत का अस्मी भवान, अनवय अह न जाने यत भवान का अस्ति, यानी हे श्रेष्ठ नर, उसी के बारे में कह रहा है जो बालू के से पुल बना रहा था, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवदिवि उन मिलित में नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए, आपने मुझे ज्ञान का अनुभव किया दिलाया, तबो मात्रेण विद्याम अवाप्तु तय मानो अहम अपि सिक्ता भी एव सेतु निर्माण प्रयास करोमि, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालुका से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि मैं भी ऐसा ही कर रहा था कि बालुका से सेतु निर्माण का प्रयास मैं कर रहा था, ठीक है। तद इदानी विद्या अध्ययनाय गुरुकुलेम एव गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ, तर्पणाम गच्छति, प्रणाम करके वो चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पर ही पूरा कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। देन इसके अलावा आप हमारे ये नोट्स हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप पर जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी।